हमारे जीवन में बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे हम ध्यान ही नहीं देते। यदि हम ध्यान भी दें तो हम उसे जानने की कोशिश भी नहीं करते। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामने आती हैं। हम देखते तो हैं लेकिन हमें इसका मतलब पता नहीं होता। अखबार हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम देश विदेश की खबरें जानने के लिए रोज़ अखबार पढ़ते हैं, तरह तरह की जानकारियां हासिल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अखबार के नीचे बनी चार बिंदुओं के बारे में जानने की कोशिश की है? आइए जानते हैं इन चार बिंदुओं का राज। ये बिंदु सभी अखबारों में छपी होती हैं। दरअसल इन चार रंग वाली बिंदुओं को CMYK के तहत छापा जाता है। इन सभी रंगों के नाम होते हैं। सी का अर्थ होता है शायन यानी कि नीला, एम मेजेंटा यानी गुलाबी, वाई से येलो यानी पीला कलर, के यानी ब्लैक। ये सभी रंग अखबार की छपाई में आधार रंग होते हैं। मूल रूप से किसी भी रंग का सही अनुपात चार रंगों का उपयोग करके तैयार किया जा सकता है। इन सभी रंगों के प्लेट एक पृष्ठ पर अलग अलग रखे जाते हैं और पेंटिंग करने के समय एक ही स्थान पर रखे जाते हैं। यह सभी रंगों को एक साथ रखने का मतलब यह है कि जो भी अखबार में चित्र छापा जा रहा है वह सही मात्रा में छपा है या नहीं। अगर यह चारों रंग सही क्रम में नहीं आते तो चित्र ठीक से नहीं छपती तथा धुंधली व प्रिंट होने लगती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि अखबार की छपाई करते समय ये चार बिंदु गलती से छप जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अखबार में सही तरीके से चित्र का पैटर्न बनाने के लिए किए जाते हैं। यह एक तरह से निशान के रूप में भी बनाया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल पर अपलोड ऐसी और भी वीडियो देख सकते हैं।